नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आ चुके हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पटना शहरी क्षेत्र की जो चार विधानसभा सीट हैं उसमें सबसे पॉश इलाका ये माना जाता है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के विधायक नितिन नवीन हैं और ये इलाका आज से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही काफी पॉश और काफी महत्वपूर्ण रहा है। अंग्रेजों ने इसे अपना प्रशासनिक केंद्र के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बनाया था। तो आज इसी विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग हिस्सों में हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के वोटर्स का मूड क्या है और जनता की कसौटी पर यहाँ के विधायक जी कितने खड़े उतरे हैं। तो चलते चलते हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंटाघाट इलाके में आ चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इलाका माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मंडी है। यहाँ पर सब्जी की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर पूरे पटना से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। मसाला, बाकी राशन का सामान भी यहाँ मिलता है। क्या लग रहा है कि इस बार इलाके में क्या आप लोग सोच रहे हैं? विधायक जी काम किए हैं? नहीं, कोई काम तो नहीं किए हैं का, और हम लोग को हमेशा तकलीफ ही देते हैं का। कुछ नहीं करवाते हैं, नहीं हम लोग को घर देते हैं, नहीं करने के लिए ठिकाना देते हैं। फिर 5-6 दिन पहले कोई लोग आए थे, बोले थे कि आधार कार्ड लेकर के आ तुम लोग को राशन मिलेगा, और यहाँ से हम लोग को 11 गांधी मैदान के 11 गेट नंबर पे ले गए और हम लोग को कुछ नहीं दिए, और वहाँ से हम लोग धूपा में यहाँ आना पड़ा। हम लोग को कुछ भी नहीं दिए खाने पीने के लिए। क्या क्या इलाके में, ये इलाका जो है ये पटना का सबसे बढ़िया इलाके में से ये आता है, लेकिन हम जब आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, मैंने सुना पानी भी लगता है। क्या क्या समस्या है थोड़ा बताइए। हम तो जब से सरकार कोई बनने लगते हैं तो कहते हैं कि यह करेंगे गरीब के लिए, वह करेंगे, हमको वोट दो, यह करो, धर के तुम लोग को झोपड़ी में से मोहर में ले जाएंगे। बाकी रोटों पर से सरकार के लिए तैयार रहते हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं। जब उनको इलेक्शन आते हैं तरह तरह के बीमारी ऊपर हो जाते हैं बेटा विधायकों लोग के, बाकी ओकर बाद वो जीत जाते हैं, फिर गरीबों को लाठी से मार के बरगावे लगते हैं। गरीबों को की सरकार नहीं है। बिल्कुल सही इनका बोलना है, आक्रोशित बिल्कुल सही हैं, क्योंकि नेताजी को तभी इलाके की याद आती है जब 5 साल बाद इलेक्शन आता है। सही बात है कि जब नेताजी उपलब्ध होंगे तभी ये जो जनता है वो उनसे अपनी शिकायत कह पाएगी, लेकिन नेताजी जो हैं वो उपलब्ध तभी होते हैं जब चुनाव का समय आता है। खैर, जनता भी इस बार नेताजी का लेखा जोखा तैयार करके बैठी हुई है, हिसाब किताब तो कर ही लेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस इलाके का कितना विकास हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार। हाउसवाइफ हैं तो जाहिर सी बात है कि महंगाई से परेशान होती हैं, कभी निकलती हैं तो सड़कों पर जाम से परेशानी होती है, इलाके में जो पानी लगता है, वाटर लॉगिंग होता है, उस बैंक रोड में पानी तो बिल्कुल नहीं लगता है। जी जी। लेकिन अभी महंगाई तो बहुत है, जैसे आज सब्जी बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। तो क्या चाहेंगे किसी की भी सरकार आए तो? हाँ, कि सस्ती हो, सब राशन पानी भी सस्ता हो, सब्जी भी सस्ती हो, राशन भी काफी महंगा हो गया है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि हाउस वाइफ कहीं की भी हो पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं रहता है, महंगाई सबसे ज्यादा उससे परेशान रहती है महिलाएं। लेकिन अगर बात करें बिहार के पॉलिटिक्स की तो एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, कहा जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे कामों को किया है, दूसरी तरफ उनके सामने यूथ आइकॉन के रूप में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र। क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ेगा? अभी तो जैसा सुन रहे हैं कि लालू जी के बेटे भारी पड़ेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इलाका आपको अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बांकीपुर क्लब भी है, वो क्लब जो 1865 में निर्माण हो गया था और विश्व के कुछ चुनिंदा जो क्लब हैं उनमें शुमार होता है। तो आगे चलते हैं, उस क्लब के बारे में भी बात करेंगे। पढ़ाई करती हो? हाँ। किस क्लास में हो? सेवेंथ में हो। किस स्कूल में पढ़ती हो? गोलघर। गोलघर जो स्कूल है बांकीपुर बालिका विद्यालय में तुम पढ़ती हो। ये बताओ कि स्कूल में जाती हो तो सुविधाएं हैं, कुर्सी टेबल बेंच ये सब हैं, पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा?
टॉयलेट तो ऐसे अति हम लोग का स्कूल में है, लेकिन उसमें अति जो टॉयलेट है जो वो साफ़ नहीं रहता है, हमेशा गंदा रहता है। और जब हम लोग अति हाथ धोते हैं, हाथ धोने के लिए वहाँ साबुन नहीं है और पीने के लिए वहाँ अच्छा पानी नहीं रहता है। टॉयलेट को हम लोग जब साफ़ करने के लिए बोलते हैं तो अति प्रिंसिपल सर उल्टा हम ही लोग के डांटते हैं और बोलते हैं कि अति तुम लोग अपने घर से ही साबुन ला कर आते यहाँ हाथ धोना, और अति टॉयलेट को कभी साफ़ नहीं कराते। टॉयलेट साफ़ नहीं होता है। पढ़ाई होती है स्कूल में? पढ़ाई होती है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं होता है जैसे हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से पढ़े लिखे, वैसा होता ही नहीं है वहाँ। नहीं लगता है कि अच्छे बिल्डिंग में रहें, अच्छी सड़क हो, गंदगी ना हो, क्या क्या तकलीफ है यहाँ पे? यहाँ तो अति हमेशा गंदा ही रहता है, यहाँ कभी नगर निगम वाला साफ भी नहीं करने आता है। और जहाँ तक कि हम लोग को अच्छा हवा ऑक्सीजन चाहिए वहाँ तक ये यहाँ रहता नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से रहें, लेकिन यहाँ अतिक्रमण हटाओ अति हटाया करते हैं कि जाके हम लोग नहीं होती है नहीं। तो देखिए क्या नाम बताया बाबू तुमने? रागिनी। ये रागिनी है, इसी इलाके में रहती है। इस इलाके में रहने से इसकी तकदीर जो है उसे कोई नहीं बदल सकता है। ये भी चाहती है कि ये अच्छी डॉक्टर बने, आगे चल के IAS बने, IPS बने। इसका कोई कसूर नहीं है कि इस नारकीय इलाके में ये रहे। खैर, विधायक जी आएंगे इस बार, ज़रूर आप लोग सवाल पूछिएगा कि 15 साल 20 साल 30 साल में इलाके की सूरत क्यों नहीं बदली है। और अपने स्कूल में जब भी जाना, तुम बहुत अच्छा बोलती हो ठीक, तो अपने प्रिंसिपल साहब से कहो कि स्कूल की जो व्यवस्था है उसे सुधारें। या विधायक जी आएंगे और बहुत सारे नेता लोग आएंगे, उनसे भी ज़रूर बोलना कि स्कूल में ये समस्या है। तो देखिए, दावे बहुत किए जाते हैं स्कूल को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, लेकिन जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर आएंगे तो तस्वीर यही निकल कर सामने आती है। ये बच्ची है, किसी राजनीतिक दल की ये बच्ची नहीं है, कोई राजनीति नहीं कर रही है, मासूम बच्ची है। इसे सिर्फ चाहिए, तो ये चाहती है कि इसका भी इलाका खूबसूरत दिखे, ये भी जिस स्कूल में पढ़ने जाती है वहाँ इसे तमाम सुविधाएं मिले। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इलाके को अंग्रेजों ने कितना महत्वपूर्ण समझा था, आप इस बांकीपुर क्लब को देख के समझ सकते हैं। 1865 में इस क्लब का निर्माण हो चुका था। आप समझिए कि ये इलाका कितना समृद्धशाली था और अंग्रेजों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा। 150 साल, यहाँ लिखा भी हुआ है बांकीपुर क्लब एस्टेब्लिश्ड 1865। पूरे विश्व की बात करें तो जो हेरिटेज क्लब हैं उनमें ये बांकीपुर क्लब शुमार होता है। पहले इसका नाम यूरोपियन क्लब हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर बांकीपुर क्लब कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए ये इलाका कितना महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने ये क्लब बनाया, कितनी गर्व की बात है आप लोगों के लिए कि अंग्रेजों के बनाए हुए क्लब की आप रखवाली कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि ये क्लब बना और बाहर ही इस तरह से झुग्गी झोपड़ियां हैं, गंदगी है। इसके इतिहास पे, इसके गौरवशाली अतीत पर एक धब्बा है। पहले था सर जाके यहाँ पे गंदी नहीं था, लोग बसा है ना, तो कूड़ा करकट हगता मुता है, पहले खेत में पुलिस साफ करता है, DM करता है, तो वो ये सब भगता है ना, हटा दिया, आधा घंटा के बाद लगा देता है, रातों के रास्ता जाम कर देता है, बोलिए तो मार बैठता है सबके, हाँ छीन छोड़ लेता है सबके, और सुबह कपड़ा उपड़ा सब छीन जाए पर ही मार करके, यही सब रह करके रात के रहने लगे रह देता है। इतना गाड़ी ने कोई साहब का गाड़ी जाता है देखिए ना, जाके चार पट्टी से रोड है, साहब कितना बजे हटाया है, सुनबे ना करवा के हटा देगा, फिर तुरंत लगा देगा घंटा के बाद। तो अगर अधिकारी लोग इधर बैठते हैं तो इनके लिए कोई इंतजाम करें, परमानेंट इंतजाम, ताकि ये इलाका है। हाँ। सबके घर उन्हें जाके इंदिरा आवास में दिया हुआ है, तो पर सब यहाँ पे रहता है। आप कुछ बोल रही थी, आप कुछ कह रही थी, आप आइए थोड़ा इधर आ जाइए। आप कुछ बता रही थी कि तकलीफ है, परेशानी है, क्या है? हम लोग का तकलीफ ना बेटा, न कॉल है, न पखाना है, न गरीब के साधन, न रहे वाला है, तुरंत आता था जोपरा जोपी उखाड़ देता है, भगा देता है, लाठी चार्ज कर देता है, क्या है। अच्छा, तो ये पता चला कि जैसे आप लोगों को इंदिरा आवास मिला भी है, वहाँ पर आपने किराया लगा दिया, क्या ये बात सही है? हम लोग के पास में नहीं मिला है बेटा, कुछ लोगों को मिला है इधर करके, कुछ आदमी की मिला ही नहीं है, हमको मोहल्ला मेरिया में कुछों का नहीं मिला हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे? अब दूसरा एरिया में दे ले होगा तो करता, हम नहीं जान सकते हैं, मजे एरिया में नहीं मिला। तो यहाँ के विधायक होंगे, वार्ड के सदस्य होंगे,
अधिकारी लोग होंगे उनसे शिकायत आप लोग नहीं करती हैं? बोला हुआ जो है ना और तो बैठा वो सबसे बात करते रहता है नेता विधायक से, हम सब नहीं करते हैं बेटा। तो उनकी बात नहीं सुनते हैं नेता विधायक? नहीं। देखिए कहीं का भी गरीब हो, गरीबों के नाम पर कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, गरीबों के नाम पर तो खूब बात होती है, खूब गरीबों के हितैषी बनने का नेताजी लोग दावा करते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो खुद आपने इस गरीब महिला की जबानी सुनी कि नेताजी यहाँ दिखते ही नहीं है, दिखेंगे तब जब चुनाव आएगा। खैर चुनाव का समय आ गया है, नेताजी लोग नॉमिनेशन भी करना शुरू कर दिए हैं, अब इस इलाके में भी आपके नेताजी लोग आएंगे, लेकिन इस बार सोच समझ के वोट कीजिएगा। चलते चलते ही इसी इलाके में एक टांगा चालक मिल गए, इन्होंने बोला कि बहुत तकलीफ है, थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ परेशानी है, क्या परेशानी है? अरे लगन उगन खत्म हो गया, सब दिक्कत चल रहा है, कमाई धमाई नहीं है सर, पहले नहीं, अब कौन एकरा पे सवारियों नहीं बैठता है, पहले तो बैठबो करता था, यही सब हाल है और क्या कहें। अरे ये दिक्कत लॉकडाउन की वजह से? हाँ लॉकडाउन के कारण हो गया, बहुत दिक्कत दिक्कत परेशानी हो गया। हाँ सर। अच्छा आप किस इलाके में रहते हैं? हम रहते हैं राजापुल जुजरा देवी स्थान के पास। जुजरा? हाँ। बांकीपुर विधानसभा में ही आता होगा ये तो? हाँ। विधायक कौन है आपके? नितिन नवीन। हाँ, नितिन नवीन। तो आपके इलाके में काम धाम हुआ है, नेताजी ने काम किया है? नेताजी तो करिए रहा है जो कर रहा है सब, और कहा सर। अच्छा तो एक चीज बताइए, अब तो इलेक्शन आ रहा है, खूब गरीबों की बात होती है कि गरीब के लिए ये करेंगे, गरीब के लिए वो करेंगे, आप टांगा चला रहे, फायदा होता है इससे? फायदा अभी नहीं है सर, पहले होता था अब नहीं होता है, कोई काम धाम ऐसा नहीं मिल पाता है कि जुड़ रहे उसमें, रोजी रोजगार नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। चलिए एक चीज, आप तो हमेशा चलाते होंगे, ये बताइए किस बार चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए, अब तो सब खड़ा हो ही रहा, अब देखिए मोदी जी उनका अगारू कौन काम हो सकता है, मैंने तो वही ना है सबके गरीब के, जो भी कर रहे हैं तो ठीक ठाक कर रहे हैं। नीतीश जी कैसा करते हैं? नीतीश जी तो सब कुछ काम बंद करवा दिए ना, गरीब के मद को कहाँ हुआ लॉकडाउन में, राजगीर में नीतीश जी जा रहे हैं, टमटम वाला के सब कर रहे हैं, यहाँ वाला के टमटम वाला के कुछ करवे नहीं कर रहे हैं। कुछ आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि अगर ये चला रहे हैं इस महंगाई के दौर में, इस घोड़ा पे कितना खर्च हो जाता है? 200-250 रुपया कम सम में, कम में 250 रुपया न तो 300-400। तो अगर कुछ खर्च कर रहे हैं, बाकी जगहों पर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाता है, ऐसे ही टांगा चलता है और ऐसे लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन पटना में भी कुछ ऐसा चाहिए ताकि ऐसे जो भी लोग यहाँ पर ऐसा जो काम करते हैं, टांगा चलाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, उनके रोजी रोटी का कुछ इंतजाम हो सके। एक बार मुकेश जी को बोलना चाहूँगा कि दिखाएं, अभी जो आप पार्क देख रहे हैं ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वही गांधी मैदान जो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ पर जब भीड़ जुटती है वही भीड़ ये बताती है, वही ये पैमाना तय करती है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसका पलड़ा भारी है। खैर इस बार तो कोविड की वजह से प्रोटोकॉल्स जो लगाए गए हैं, यहाँ पर भीड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहाँ पर जो भीड़ उमड़ती है वही बताती है कि नेताजी के पक्ष में लहर है या नहीं है। तो चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, जब इलेक्शन आता है तो ऐसे गरीबों की खूब याद आती है, खूब हितैषी बनने का दावा होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, जैसे ही नेताजी लोग विधायक बन जाते हैं, फिर काहे के लिए गरीब याद आए, ये तो फिर याद आता है 5 साल के बाद ही, वो भी तब जब वोटिंग का सीजन आता है। खैर जनता भी अब समझदार हो चुकी है, जनता ने हिसाब किताब करके रखा है, अगर नेताजी ने काम किया होगा तो जनता उस पर मुहर लगा देगी, और अगर इस जनता को नेताजी ने निराश किया होगा तो फिर
जनता भी जैसे नेताजी ने 5 साल इंतजार कराया, वैसे जनता भी 5 साल इंतजार करवा देगी। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की ही अलग हिस्से में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता इस बार किस पर दांव लगाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं राजापुर इलाके में, काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। और इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो इलाका है वो शहरी क्षेत्र में आता है और कुछ इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। बांकीपुर विधानसभा का ही ये इलाका है। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं यहाँ पर। ये हेलो, ये बताइए कि अब तो चुनाव शुरू होने वाला है, नेताजी लोग अपने अपने इलाके में पहुंच रहे हैं, आप बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र का, बांकीपुर का, खास तौर पर राजापुर पुल इलाके का कितना विकास हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, जो है नल्ला बना था वो भी टूटिए गया। चैनपुर में पानी जो सप्लाई है वो खराब हो जाए तो समझे मंदिर में जाना पड़ेगा भरने के लिए, और इतना दूर में उसके अलावा कहीं नहीं है, चापाकल नहीं। सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, बिजली सही रहता है, स्कूल हॉस्पिटल ये सब सुविधाएं हैं। ये सब तो बगल बगल में हॉस्पिटल तो वहाँ उद्यान हुआ, उधर रूबन हुआ, पुर्जी हुआ, इतना दूर में तो है नहीं। मीन्स नाला का परेशानी है, पानी है, हाँ पानी तो हम पी नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु। हिमांशु ये बताइए कि अब तो चुनाव शुरू होने जा रहा है, नेता लोग नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, आपके इलाके की मुख्य समस्या क्या है? कि हम यहाँ के रेगुलर वासी नहीं है, हम मेरा घर सीहोर जिला है, लेकिन जो हमारा, चलिए इस इलाके में आप रेंट पे रहते होंगे, हाँ ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, 2014 में हम लोग थे 10th में, 8th में थे 2014 में, तो उन्होंने मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर दिया 10th तक, 14 में किया 2014 में, आज 2020 हो गया, 6 साल से किसी भी स्कूल में ना टीचर गए ना कुछ हुआ, और बस बिल्डिंग बना दिया गया 6-6 करोड़ का पर स्कूल में, बिहार में लगभग हमको तो याद नहीं लेकिन बहुत सारा स्कूल को उत्क्रमित कर दिया गया, मेरे जिले में 6 गो है। ये बताइए आप महिला हैं, गृहिणी हैं, इस इलाके की समस्या क्या है? अगर ठीक है नहीं है तो ये और अच्छी बात है, आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए एक जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ी सी एक दिन भी वर्षा होती है कि पूरा जल जमाव लग जाता है, हम लोग को थोड़ा निकलने में दिक्कत होता है। गाड़ी से जो जाते हैं उनको तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन हम लोग जो पैदल चलते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है पैदल चलने वाले को। और दूसरा है कि मच्छर के लिए फॉगिंग तो कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं देखे हैं। और अभी कोरोना के समय में एक बार घूमना चाहिए था क्षेत्र में, विधायक जी को एक बार क्षेत्र में घूमना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल अंत में जब बहुत ज़्यादा मामला आनंदपुरी हमारे क्षेत्र में होने लगा कोरोना का, तब एक दिन सैनिटाइज कराया गया था घर तरफ, वो भी बाहर बाहर से करते हुए रोड पे चला गया। आप तो गृहिणी हैं, इस बार चुनाव में इस इलाके के वोटर्स किस मुद्दे पर जाएंगे? वही मुद्दा रहेगा, हम लोग का तो बस महिला लोग को सुरक्षा चाहिए, शांति से हम लोग जिए, हम लोग का जो रोज का मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, मच्छर है उसका छिड़काव रेगुलर होना चाहिए, और हमारा जो जल जमाव है, कितना बार हम कंप्लेन भी किए हैं जाकर। अगर साफ सफाई की बात करें तो कैसा इलाके में? साफ सफाई तो है लेकिन लोग को भी जागरूक होना होगा, कचरा वाला गाड़ी तो रोज आता है ले जाता है, बहुत सुधार तो बहुत सारे हुआ है समस्या का, जैसे पहले लाइट नहीं था सड़क पे तो लाइट हो गया है। एक और परेशानी है, इधर थोड़ा सा समस्या है, एक यूरिनल ABC सेंटर के सामने ऐसे ही बना के 1-2 साल से पड़ा हुआ है, रोज लोग ऐसे ही करते हैं, ना उसका कोई निकास है ना कुछ, बहुत दुर्गंध वहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात निकल कर सामने ये आई कि जो विधायक हैं यहाँ पर उनके काम से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन नाराजगी भी है। जाहिर सी बात है कि अगर विधायक जी अब भी लोगों की बात सुन लेते हैं तो हो सकता है कि जनता की नाराजगी दूर हो जाए। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता का
मूड क्या है और इस बार जनता किसके साथ है। नमस्कार।